आज तारीख हो चुकी है 4 जून। आज एक बार फिर से आईपीएल को लेकर, सभी आईपीएल टीमों को लेकर, क्रिकेटिंग जगत को लेकर कुल 8 बड़ी खबरें और 8 बड़े अपडेट्स निकल कर आए। मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा, आपको सभी 8 बड़ी खबरों के बारे में बताऊंगा, तो काफी इंटरेस्टिंग काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी ये क्रिकेट के बड़े फैन तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। अब हम बात करते हैं सभी 8 बड़ी खबरों की, तो जो सबसे पहली बड़ी खबर निकल कर आती है सैम करन की तरफ से। दरअसल सैम करन ने 6-8 महीने बाद दोबारा से अब यहां पर कमबैक किया, अपनी इंजरी से रिकवर होकर कमबैक किया और इंग्लैंड में चल रही T20 ब्लास्ट में पिछले 3 मैचों में जब से इन्होंने कमबैक किया काफी अच्छा प्रदर्शन किया। पहले मुकाबले में इन्होंने 36 रन महज 22 बॉलों में बनाए थे और गेंद के साथ 25 रन देकर 1 विकेट लिया था। दूसरे मुकाबले में 6 रन 2 बॉलों पर बनाए थे और 14 रन देकर 4 विकेट लिए थे। तीसरे मुकाबले में 38 बॉल में 69 रन की पारी खेली थी और 30 रन देकर 5 विकेट लिए थे। तो कुल मिलाकर सैम करन के इस कमबैक के बाद अब काफी सारी टीमें आईपीएल ऑक्शन से पहले इनके साथ कांटेक्ट में, काफी सारी टीमें अब इनको टारगेट कर रही है इस ऑक्शन में। हो सकता है कि आईपीएल 2023 के ऑक्शन में बेन स्टोक्स के साथ सैम करन सबसे महंगे बिकने वाले प्लेयर बन जाए। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग सैम करन कितने करोड़ तक बिकेंगे, कौन सी टीम कितने करोड़ तक आखिर इनको परचेस करेगी। अब बात कर लेते हैं दूसरी बड़ी खबर की, तो ये दूसरी बड़ी खबर निकल कर आती है वो आती है दो नए आईपीएल टीमों को लेकर। दरअसल आईपीएल 2023 के एडिशन के लिए स्टार स्पोर्ट्स ने एक यहाँ पर पोल डाला था। स्टार स्पोर्ट्स ने फैंस से यहाँ पर पूछा था कि कौन सी दो नई टीमों को आईपीएल 2023 के एडिशन में फैंस देखना चाहते हैं। हालांकि 2023 में नहीं लेकिन 2025 तक आईपीएल में दो और नई टीमों की एंट्री हो जाएगी। 2025 के आईपीएल से हमें यहाँ पर 12 आईपीएल टीमें देखने को मिलेगी और फैंस ने पुणे को, इसके साथ ही कटक को यहाँ पर सबसे अधिक वोट दिए। फैंस के अकॉर्डिंग इन दो टीमों को आईपीएल में लाना चाहिए, इन दो टीमों को फैंस से सबसे अधिक वोट मिले। वैसे आप कमेंट करके बताइए अगर 2025 में दो नई टीमों की एंट्री होती है तो आप कौन कौन से स्टेट, कौन कौन से शहरों की आखिर दो टीमें देखना चाहते हो। बात कर लेते हैं तीसरी बड़ी खबर की, तो जो तीसरी बड़ी खबर निकल कर आती है मुंबई चेन्नई कोलकाता की तरफ से। दरअसल मुंबई चेन्नई कोलकाता ने ऑक्शन को लेकर बीसीसीआई को सजेशन दिया है कि दिसंबर के मिड में यहां पर आईपीएल 2023 का ऑक्शन कराया जाए, जहां पर बीसीसीआई ने अब सभी टीमों की राय लेना शुरू कर दिया है क्योंकि आईपीएल सभी टीमों का भाग है। तो सभी टीमों से और सभी टीमों के ओनर से बीसीसीआई राय ले रहा है कि यहां पर कौन से महीने में ऑक्शन कराया जाए। यहां पर अक्टूबर नवंबर में T20 वर्ल्ड कप चलेगा, नवंबर में T20 वर्ल्ड कप के बाद आखिर वर्ल्ड कप के अगले कुछ दिनों बाद ही यहां पर ऑक्शन कराया जाए या फिर थोड़ा रुक के ऑक्शन कराया जाए। तो मुंबई चेन्नई कोलकाता ने बीसीसीआई को सलाह दी है कि ऑक्शन यहां पर वर्ल्ड कप के 1 महीना बाद दिसंबर में कंडक्ट कराया जाए, मिड ऑफ द दिसंबर कंडक्ट कराया जाए। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या मिड ऑफ द दिसंबर यहां पर ऑक्शन होना चाहिए या फिर उससे पहले ऑक्शन होना चाहिए। अब बात करते हैं चौथी बड़ी खबर की, तो चौथी बड़ी खबर निकल कर आती है रवि शास्त्री की तरफ से। दरअसल रवि शास्त्री ने बीसीसीआई को एक सलाह दी। रवि शास्त्री ने बीसीसीआई को बताया कि अब टीम इंडिया की यहां पर बायलेटरल सीरीज कम कर देनी चाहिए। कुल मिलाकर बायलेटरल सीरीज कम करके एक साल में 2 बार आईपीएल कराना चाहिए, एक बार गर्मी में, एक बार यहां पर विंटर में यहां पर आईपीएल होना चाहिए। उनके अकॉर्डिंग एक बार तो अप्रैल मई के महीने में और एक बार नवंबर दिसंबर के महीने में आईपीएल होना चाहिए। कुल मिलाकर उन्होंने एक साल में 2 आईपीएल कंडक्ट कराने की यहां पर बात कही और उन्होंने बताया कि यहां पर 2 आईपीएल इस तरीके से होने चाहिए, या तो यहां पर मेन प्लेयर्स के साथ आईपीएल होना चाहिए या फिर 1 आईपीएल मेन प्लेयर्स के साथ, 1 आईपीएल अंडर 19 के प्लेयर्स के साथ होना चाहिए। आप कमेंट करके बताइए आप शास्त्री की बात से आखिर एग्री हो या फिर नहीं। अब बात कर लेते हैं पांचवी बड़ी खबर की, तो जो पांचवी बड़ी खबर निकल कर आती है वो आती है यहां पर बीसीसीआई द्वारा होने वाले ई ऑक्शन को लेकर। दरअसल बीसीसीआई ने अब यहां पर ई ऑक्शन की तैयारियां शुरू कर दी है। 12 जून को यानी लगभग 8-9 दिन बाद हमें ई ऑक्शन देखने को मिलेगा। ई ऑक्शन में अब यहां पर यह तय हो जाएगा कि यहां पर 12 तारीख को यह तय हो जाएगा कि आईपीएल 2023 से लेकर 2027 तक आखिर कौन से टीवी चैनल पर अब टेलीकास्ट होगा। यहां पर इस टेलीकास्टिंग को लेकर अब यहां पर 12 तारीख को ई ऑक्शन होगा, तो बीसीसीआई इस तैयारियों में लग चुकी है और अब यहां पर अब देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि 12 तारीख को आखिर कौन सा टीवी चैनल, कौन सा ब्रॉडकास्टर आखिर ऑक्शन में यहां पर जीतता है, कौन सा आखिर ब्रॉडकास्टर ऑक्शन जीतकर आईपीएल के राइट्स को आखिर परचेस करता है। वैसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलकर हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर ले ताकि यहां पर ई ऑक्शन का रिजल्ट आपको सबसे पहले हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाए। इवन ई ऑक्शन को हम टेलीकास्ट भी करेंगे तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर सब कुछ देखने को मिलेगा। तो आप लिंक खोलकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो और आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग कौन से टीवी चैनल पर आखिर आईपीएल टेलीकास्ट होनी चाहिए। अब बात करते हैं छठी बड़ी खबर की, तो जो छठी बड़ी खबर निकल कर आती है आरसीबी कुछ टारगेट प्लेयर्स को लेकर। दरअसल आईपीएल 2023 के एडिशन में आरसीबी की टीम कुछ प्लेयर को प्रमुख रूप से टारगेट करी है, जहां पर पीयूष चावला, बेन मैकडरमट, डेविड विजे, बेन स्टोक्स को आईपीएल 2023 के
के एडिशन के लिए ये टीम टारगेट कर रही है, जहां पर पीयूष चावला को हसरंगा के साथ ये टीम यूज करना चाहती है, बेन मैकडरमट को विकेट कीपर बल्लेबाज के रूप में ये टीम यूज करना चाहती है, डेविड वीजे को ये टीम यहां पर एक ऑलराउंडर के रूप में यूज करना चाहती है जो कि गेंदबाजी कर दे और बल्लेबाजी कर ले। इसके साथ ही स्टोक्स को तो हमें पता ही कि स्टोक किस तरीके के प्लेयर है, इनको भी यहां पर ऑलराउंडर के रूप में यूज करना चाहती है। तो इन खिलाड़ियों को ये टीम टारगेट करेगी, इनमें से ऑलमोस्ट यहां पर 50% प्लेयर्स को तो कन्फर्म रूप से ये टीम परचेज करेगी। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग आरसीबी के सही टारगेट प्लेयर है या फिर नहीं। इसके साथ ही आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको कुछ ही समय कुछ ही दिनों में आपको सभी टीमों के टारगेट प्लेयर्स की लिस्ट देखने को मिलेगी। तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब हम बात कर लेते हैं सातवीं बड़ी खबर की। तो जो सातवीं बड़ी खबर निकल कर आती है वो आती है हार्दिक पांड्या की तरफ से। दरअसल गुजरात को आईपीएल विनर बनाने के बाद हार्दिक पांड्या ने अब टीम इंडिया को लेकर एक बड़ा स्टेटमेंट दिया। हार्दिक पांड्या ने बताया कि जिस तरीके से उन्होंने गुजरात के लिए कप्तानी बल्लेबाजी करी है, टीम इंडिया में भी वो इसी प्रकार से बल्लेबाजी करना चाहते हैं। टीम इंडिया में वो जिस तरीके से गुजरात ने आईपीएल जीता है, टीम इंडिया को टी20 वर्ल्ड कप जिताना चाहते हैं। हार्दिक पांड्या ने अपना टारगेट बता दिया कि उनका टारगेट टीम इंडिया को टी20 वर्ल्ड कप जिताना है। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग इस साल टीम इंडिया टी20 वर्ल्ड कप इस साल 6 महीने बाद होने वाले टी20 वर्ल्ड कप को जीत पाएगी या फिर नहीं। अब हम बात कर लेते हैं आठवीं और आखिरी बड़ी खबर की। तो जो आठवीं और आखिरी बड़ी खबर निकल कर आती है मुंबई कोलकाता दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से। दरअसल मुंबई कोलकाता दिल्ली कैपिटल्स ने अपने 4 खिलाड़ियों को दुबई भेज दिया। दुबई में होने वाली यूएई टी20 लीग में यहां पर अपने 4 खिलाड़ियों को भेज दिया। अभी तक नाम रिवील नहीं हुए, लेकिन इन टीमों ने अपने 4 खिलाड़ियों को यहां पर टेस्ट करने के लिए, यानी 4 अपने युवा खिलाड़ियों को उनके परफॉर्मेंस को टेस्ट करने के लिए यहां पर अब यूएई की मुश्किल लीग में भेज दिया। आप कमेंट करके बताइए इन टीमों की ये सही स्ट्रेटजीज है या फिर नहीं। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो करें लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।